कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो दायरा है बढ़ता जाएगा और आप अनेक विषयों पर उतने ही मनोयोग से काम कर पाएंगे। और एक तो खुद को जांचना परखना, और ये बिल्कुल मन में से मत निकाल दीजिए कि कोई आपको कह देता है। आप जो कहते हैं कि भाई मुझे याद नहीं रहता है, बहुत लोग कहते हैं याद नहीं रहता है, लेकिन किसी ने आपको बुरा कह दिया और एक वाक्य नहीं 10 वाक्य बुरे बोल गया, आप 6 साल के बाद भी उन 10 के 10 वाक्य याद रहते हैं कि याद रहते हैं? इसका मतलब आपकी मेमोरी पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज थी जो आपको छू गई आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद रह गया, आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया होगा और परिवार के दादा दादी ने उस पल इतने बढ़िया ढंग से आपको पुचकारा होगा, आपको आशीर्वाद दिए होंगे, आपको लगता है मां दादा दादी से इतने सालों से मिल रहा हूं क्योंकि वो पल मैं भूल नहीं पाता हूं। मतलब जिन चीजों में सिर्फ बुद्धि नहीं, आपका हृदय भी जुड़ जाता है, वो चीजें जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कॉन्सेंट्रेशन में भी आप अपने मन, बुद्धि, शरीर, हृदय, आत्मा, ये सबको एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर करके लाते हो क्या? ये जो योगा है ना, अभी दिखा रहे थे सारे बच्चे, कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, और कुछ लोग अगर योग बॉडी बिल्डिंग का ही खेल होता तो सर्कस में जो लोग काम करते वो सारे योगी होते हैं, सब सर्कस वाले योगी होते हैं। तो ये बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं है, ये योग का मूलतः काम शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इनको एक सिंक्रोनाइज वे में काम करने के लिए है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा आसन करना, कैसे करना, वो आपकी मर्जी है। आपने देखा होगा, एक बार मैंने मन की बात की थी तो हमारे देश के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी मन की बात में मेरे साथ बात तो परीक्षा देश भर के